कलर नहीं दूंगा कि नगर परिषद टेलर हो। 24 में फिल्म बनाए, अब 4 के रिलीज करें, जबरदस्त भीड़ होई, 4 के जन सैलाब निकली, सिवान के समस्त जनता रो, सिवान के जीत हुई, सिवान के जनता के जीत हुई। जीवन जादव क्या है? कुछ नहीं। जीवन जादव एक लड़का है, एक बच्चा है, एक भाई है, एक भतीजा, एक बेटा है। ये सिवान की जनता की लड़ाई है, ये सिवान की जनता के व्यवस्था की लड़ाई है, सिवान के विकास की लड़ाई है, सिवान की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार और भय की लड़ाई है। बना देंगे सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त। अगर सिवान की जनता का साथ मिला और ताकत मिला तो सिवान एक नया सिवान बनेगा, जिसकी पहचान भी नहीं होगी और काम भी नहीं होगा। सिवान में आने वाला समय, आने वाला दिन एक एक दिन खुशहाल होगा। कोई गरीब गरीबी से नहीं मरेगा, कोई कमजोर बीमार इंसान बीमारी से नहीं मरेगा। हर आदमी के पास छत होगा। आज भी बहुत ऐसे घर है जिनके मड़ई का घर है जल जाता है आग लगने से, जिनको छप्पर देने का काम जीवन यादव करते हैं। वो दिन नहीं आएगा। हर घर को, हर आदमी को आवास मिलेगा। गांव गांव घूम के सर्वे करूंगा, किसको आवास की जरूरत है उसी को आवास मिलेगा। हर आदमी को आवास आवंटित होगा, हर आदमी को छोटा मोटा रोजगार मिलेगा। जहां जैसी व्यवस्था मिलेगी हम वैसा मदद करेंगे। कोई दुखी नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई गरीब व्यवस्था में नहीं मरेगा गरीबी के चलते, कोई भोजन के लिए नहीं तड़पेगा। अगर मेरी जनता जनार्दन मुझसे जो मांगेगी, अगर कोई प्यार से कह दे कि जीवन ये चाहिए तो वो मिलेगा। क्यों? कि मेरा कुछ भी नहीं है। गीता में कहा है, आज जो मेरा है कल आपका होगा, परसों किसी और का होगा। ये धन ये शरीर दोनों नाश्वर है, दोनों का अंत है। कोई चीज परमानेंट के लिए नहीं है, सबका अंत है। तो समझ लीजिए शरीर का भी अंत है, तो इसे आपके जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए लगाऊंगा। और ये जो धन है वो भी नाश्वर है, ये भी आपके लिए लगाऊंगा। और सिवान की एक एक जनता की इच्छा पूरी करूंगा, ये संकल्प लिया हूं उसे मैं पूरा करूंगा। हाथ जोड़ के सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम कहेंगे। और ये जन सैलाब नहीं, ये प्यार है, मेरे साथ है। बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है, बहनों का प्यार है, बड़ी बहनों का आशीर्वाद है, माओ का, चाची, दादा, दादी, सबका आशीर्वाद और प्यार है। हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमने जो ये काम किया, सेवा, जो मैंने सेवा करके अपनी एक पहचान बनाया, आज मुझे गर्व होता है। और मैं यही कहूँगा हर नए युवक से कि आप सब लोग ऐसे ही सेवा कीजिए। और देखिए, सेवा से ही पहचान बनता है, और जो सेवा का पहचान होता है वो निरंतर रहता है। और जो राजनीति का पीछे पीछे चमचई करके जो पहचान होता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, जैसे कि आज है कल नहीं है, लिखो फिको पेन की तरह। जो जिस दिन से आपने नामांकन किया उस दिन से सिवान का मौसम बदल गया है। अभी अभी आज देख रहे हैं कि भगवान ही का आपको आशीर्वाद। देखिए, यही तो है खासियत कि देखिए, जब से हम नॉमिनेशन करके दौरा में आते हैं, धूपे खत्म हो गया, हवा एकदम शीतल, मेरा नॉमिनेशन के दिन शीतल हवा बह रहा था, जैसे लगता था सन 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 ऊपर वाले का भगवान भोलेनाथ का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, आशीर्वाद है। और वो आँख से दिख रहा है, जनता के बीच वो दिख रहा है कि आज बारिश होना है, कल मौसम ठंडा होना। मैंने जिस दिन से मैं दौरा शुरू किया हूँ, बारिश, मौसम ठंडा, बाकी नहीं तो धूप, इतना जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था इतना लू चलता था, उस दिन देखें ठंडी हवा थी, थोड़ा उतनी भीड़ थी, कोई परेशान हुआ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं भगवान महादेव का कृपा है हम पे। जब आप निकल रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे उनके नाम पर भी वो लोग भी जीवन यही तो बता रहे हैं ना, वो बच्चे के मुंह में भगवान का आशीर्वाद होता है, जीव पर सरस्वती माँ का रहता है। वो बच्चे जो होते हैं ना कोमल होते हैं, उनका मन शांत होता है, मन साफ होता है। वो बच्चे मेरा नाम लेते हैं, जीवन जीवन कुछ कुछ करते हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 साल के बच्चे मुझे पहचानते हैं। ये पहचान मेरे नेतागिरी से नहीं, मेरे सेवा काम से पहचान बना है। उनको भी पता है कि हम सेवक हैं उनके, उनके बीच आते जाते हैं। देखा जाए तो जो बड़े बड़े पार्टियां हैं वो कई बड़े अपने दिग्गज को उतार रहे हैं, लेकिन आपका एक जो है अलग। अच्छा, बड़े बड़े नेता आएंगे हेलीकॉप्टर से तो बच्चे को क्या मतलब है? उनको पहचाने का बच्चा जिला का है, दरौली में, रघुनाथपुर में, पतार में, चले जाए थी गुठनी में, नौतन में, बड़ौरिया में, किसी बच्चे से जाके किसी नेता से पूछिए कि कौन कौन प्रत्याशी लड़ा है। अगर पूछिए जाके कि कोई प्रत्याशी का नाम जानता हो, मेरा नाम चट दे बोलेगा। एक दिन हम थे रघुनाथपुर में, अंदर में एक बच्चा पूछा गया, पत्रकार ने पूछा आपके भाई किसी बंधु ने, तो उसने कहा कि हाँ जीवन जीवन है, चुनाव लड़े हैं। पूछा और कोई लड़ा है? तो नहीं जानते हैं।
तो कहीं ना कहीं उनके दिल में हम हैं तब ना, उनके जीभ पे आने का मतलब दिल में है, उनके परिवार में चर्चा होती होगी तो लोग मुझे पसंद करते हैं, तभी ना अपने घर में चर्चा करते हैं, तो इतने छोटे छोटे बच्चे मुझे पहचानते हैं। लग रहा है कि जो समाज सेवा आपने लगातार शुरू की थी उसी का वजह है कि हाँ उसी का सेवा का ही वजह है कि मुझे पहचान और प्लस से काम। नगर परिषद 24 में एक नया आगाज होगा, हाँ मैंने कहा था कि देखिए 2022 में मैंने नगर परिषद का जो चुनाव लड़ा चेयरमैन उसको रिजर्व करा दिया गया। अच्छा तो नहीं किया लो, पैर पे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं इसको, लेकिन मैं उसी समय प्रण किया कि नगर परिषद भी जीतूंगा और 2024 में आगाज के साथ चुनाव जीतूंगा, जो आज 2024 आ गया है और आगाज दिखाई दे रहा है। मैंने बोला था ना कि सिवान बदलेगा और सिवान का रूप बदलेगा, रंग बदलेगा, विचार बदलेगा, सिवान की व्यवस्थाएँ बदलेगी, सिवान की अर्थव्यवस्थाएँ बदलेगी, सिवान अब एक नया सिवान बनेगा जिसका नाम सिवान रहेगा लेकिन काम सिवान की तरह नहीं होगा, शांति भय भ्रष्टाचार मुक्त सिवान रहेगा। क्या लगता है सिवान को किसी नायक की जरूरत है? नायक की जरूरत है क्योंकि व्यवसायियों से जो आज के भी डेट में मुझे पता है कि रंगदारी लिया जाता है, मैंने बोला ना जो 50,000-1,00,000 जाते हैं छीन लेते हैं सब स्माइकर अपराधी, मैं आऊँगा तो उनको नो एंट्री लगाऊंगा, उनकी मेरी एंट्री उनकी नो एंट्री।